रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बकरे का गोश्त लिया है 700 ग्राम, और इसे वॉश करके रखा हुआ है। ये इसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हमने ली यहाँ पे साबुत मिर्चें ली हैं 5 से 6, नमक लिया है 1 टीस्पून, सौंफ लिया हमने 1.5 टेबल स्पून, साबुत धनिया लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें गरम मसाले जाएंगे 1 सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी काली इलायचियाँ, जावित्री जाएगी, जायफल का यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया हमने 1, और लौंगे लिए हमने 5, और काली मिर्चें लिए हमने 8 से 10। ये सब इसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया लहसुन लिया 5 बड़े, इसके जवे लिए हैं 2 तेज़पत्ते, अदरक का यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच का टुकड़ा 3 से 4, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसके 4 हमने टुकड़े कर लिए, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे हम, तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी जाएगा। अब गोश्त को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं। जब तक गोश्त निकल जाता हमारा, इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बकरे का गोश्त इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तकरीबन 25 मिनट, या आपके गोश्त पर डिपेंड करते हैं कि कितनी देर में आपका गोश्त गलता है। यखनी को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है, बस हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी छान लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा पॉट लिया है और उसके अंदर 1/2 कप के करीब ऑयल डाला है, इसे गर्म किया है, और इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे स्लाइस करके डाल दिया है, और इसे अच्छा गोल्डन कलर देना है। प्याज का अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बादियान का फूल, और 3 हरी इलायची, हमने इसको खोल दिया, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, इसके अलावा इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दही, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, यह हसबे ज़रूरत। इसके अलावा इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर हमने ली हुई है हरी मिर्ची, हमने बिल्कुल इनको बारीक क्रश कर लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया, मसाला अच्छे से भुन गया। अब यखनी में से जो हमने गोश्त डाल के रखा था, ये इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे भी अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। गोश्त बहुत अच्छे से भून गया, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें यखनी जो हमने बना के रखी थी, छान के अलग कर ली थी, ये ऐड कर देते हैं, और इसमें उबाल लाएंगे। इस वक्त आप चावलों का नमक चेक कर लीजिएगा, थोड़ा तेज़ खुलता हुआ होना चाहिए ताकि चावल डालें तो फिर ये बैलेंस हो जाए। यहाँ पे चावलों में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। हमने 3 कप चावल लेके उनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, पहले उन्हें वॉश किया फिर भिगो दिया था, ये इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम इस वक्त हाई है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर हमारी यखनी में गए हैं चावल, बिल्कुल भी कम नहीं है। और अगर बाय चांस आपकी यखनी कम पड़ जाती है तो आप अलग से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, बस इसका पानी कम होने तक हमें हाई फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। चावलों को हाई फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए, ये देखें इसका पानी यहाँ पे खुश्क होना स्टार्ट हो गया। बस अब हम इसे दम पर लगा देते हैं। इसके अंदर डालेंगे रूह केवड़ा 1 टीस्पून, और इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक दम पर लगाएंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे हम इसे बिल्कुल 15 मिनट तक। 15 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा मटन पुलाव रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का ज़बरदस्त मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।